कोविड-19 को दूर भगाने के लिए एनएसएस यूनिट के द्वारा भी अहम भूमिका निभाई जा रही है, जिसके चलते ही प्रदेश भर में एनएसएस स्वयंसेवियों के द्वारा अंशदान करके कोविड-19 के लिए फंड जुटाया जा रहा है। प्रदेश में एनएसएस अब ईच वन केयर एल्डर वन योजना के तहत विभिन्न क्षेत्रों में रह रहे वरिष्ठ नागरिकों की सहायता के लिए काम करेगी। एनएसएस स्वयंसेवियों का समाज के प्रति इस तरह काम करने से कोविड बीमारी को दूर भगाने के लिए अपना योगदान दिया जा रहा है। एनएसएस राज्य समन्वयक नोज डोगरा के अनुसार पूरे प्रदेश भर में एनएसएस स्वयंसेवी की टीम कोविड-19 के प्रति जागरूकता के अलावा बचाव को लेकर काम में जुटी हुई है। उन्होंने बताया कि 30 जून तक फंड जुटाने के अभियान के तहत अभी 25 अप्रैल तक 1,25,000 रुपए का अंशदान भी सीएम रिलीफ फंड में जमा हो चुका है। विश्व भर में कोविड-19 बीमारी जो फैल रही है उसके मध्य चलते हुए एनएसएस के स्वयंसेवी प्रोग्राम ऑफिसर नोडल अधिकारी जिला स्तर पर जो है वो जन आंदोलन के रूप में कार्य कर रहे हैं। इस कार्यक्रम में स्वयंसेवी जो है वो घर में बैठकर ही लॉकडाउन के दौरान जो घर में बैठकर ही मास्क बनाए जा रहे हैं, लोगों को जो है वो प्रेरित किया जा रहा है और उसके बारे में जो है वो फेस कवर निर्माण कार्य जो है वो चलाए जा रहे हैं। इसके अतिरिक्त जो है आरोग्य सेतु ऐप को जो है वो डाउनलोड करना है, जिसके द्वारा कि उनको जागरूक किया जाए और आई गोट के मैं पंजीकरण करना है। 16 अप्रैल से जो था वो एनएसएस ने एक प्रदेश स्तर से एक मुहिम छेड़ी है, जिसमें ईच वन हंड्रेड वन योजना चलाई गई है, जिसमें स्वयंसेवी कार्यक्रम अधिकारी नोडल अधिकारी और प्रदेश के समन्वयक वर्ग जो है वो उसमें अंशदान कर रहे हैं। अभी तक जो है इसमें 25 अप्रैल तक 1,25,000 अंशदान जो है मुख्यमंत्री रिलीफ फंड में दिया जा चुका है और इस अभियान को जो है वो 30 जून तक जो है पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। मनोज डोगरा ने बताया कि वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से युवा सेवाएं एवं खेल मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर ने भी एनएसएस कार्य की सराहना की है और एक वरिष्ठ नागरिकों के लिए सेवा करने का भी संदेश दिया है, जिसके तहत ईच वन केयर एल्डर वन योजना के तहत एनएसएस को काम करने का जिम्मा सौंपा गया है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जो है प्रोग्राम ऑफिसर और स्टेट कोऑर्डिनेटर को माननीय वन खेल युवा सेवाएं मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर जी ने भी संबोधन किया और उन्होंने एनएसएस के कार्यक्रम की सराहना की और उन्होंने एक और संदेश दिया कि बुजुर्गों की जो है वो सेवा करनी चाहिए, जिसके लिए जो है ईच वन केयर एल्डर वन का नारा जो है वो शुरू किया गया है, जिसके तहत की जो बुजुर्गों का जो है वो सम्मान करना है और घर में जो है बुजुर्गों का पूर्ण रूप से जो है सम्मान किया जाए। इस एनएसएस के दौरान जो है वो प्रदेश सरकार में एनएसएस अधिकारी डॉक्टर एच एल शर्मा जी और प्रदेश विश्वविद्यालय कोऑर्डिनेटर डॉक्टर बी आर शर्मा जी का भी समय पर जो है वो हमारे को सहयोग मिल रहा है और लॉकडाउन के तहत भी हमारे स्वयं से भी जो है वो पूर्ण रूप से जो है वो तैयार हैं समाज सेवा के लिए। इसके लिए जिला स्तर पर और प्रदेश स्तर पर जो है वो प्रोग्राम ऑफिसर के द्वारा जो है वो प्रशासन को जो है वो बच्चों की सूची जो है वो भेज दी गई है, अगर जरूरत पड़ती है तो हमारे स्वयं से भी जो है वो समय पर जाकर जो है वो अपना योगदान जो है वो इस महामारी में दे सकते हैं। इस जज्बे के नाते जो है वो एनएसएस स्वयं से भी काम पूरे प्रदेश भर में जो है वो कर रहे हैं। वहीं एनएसएस स्वयंसेवी सीएन ने बताया कि एनएसएस स्वयंसेवियों के द्वारा लोगों को कोविड-19 बीमारी से बचाने के लिए काम किया जा रहा है, जिसके तहत लोगों को बचाव की जानकारी दी जा रही है। उन्होंने बताया कि ऑनलाइन ऐप के माध्यम से भी लोगों से जुड़कर उन्हें जागरूक करने का काम भी स्वयंसेवी बखूबी कर रहे हैं। कॉलेज हमीरपुर अणु से स्टडी करती हूँ, बी ए सेकंड ईयर स्टूडेंट हूँ और मैं एनएसएस के वॉलंटियर्स हूँ। जो हमारे एनएसएस के कार्यक्रम अधिकारी हैं वो डॉक्टर मनोज जोगड़ा सर और डॉक्टर भगवती सर हैं और हमारे अध्यक्ष जो एनएसएस के अध्यक्ष हैं वो है मिस्टर दीक्षित धदारिया। जो हम लोग एनएसएस के बच्चे जो लोगों को अलग अलग कार्यक्रमों के दौरान लोगों को एनएसएस से सॉरी कोरोना वायरस से बचने के लिए जागरूक कर रहे हैं। हम लोगों को अलग अलग तरह के मतलब उपाय दे रहे हैं ना कि कोरोना से आप कैसे बच सकते हो, चाहे वो ऑनलाइन हो या फिर हम चाहे व्यक्तिगत रूप से हो। हमने जो मास्क मतलब हजारों से ऊपर मास्क बनाए हैं और लोगों में वितरित किया है ताकि वो कोरोना वायरस से बचा रह सके। इसके अलावा हमने आई गोट ऐप डाउनलोड किया है, जिसके द्वारा हमें शिक्षा से रिलेटेड और स्वास्थ्य से रिलेटेड जानकारी प्राप्त करती है। इसके अलावा हमने आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड किया है, जिसके द्वारा हम लोगों को कोरोना वायरस से अवेयर कर रहे हैं। इसके अलावा जो हमारे एनएसएस के वॉलंटियर्स ने वो हमारे टीचरों ने मिलकर दान दिया है ताकि हम गरीब लोगों को और जरूरतमंद लोगों को खाना कपड़ा जो हो प्रोवाइड करवा सके ताकि वो कोरोना वायरस से बच सके। और हम जो वो क्या बोलते हैं ऑनलाइन रोज मतलब हर दो दिन बाद ऑनलाइन मीटिंग करते हैं जूम ऐप के द्वारा, ठीक है, जिसमें हम लोगों को जागरूकता के बारे में
बताते, उन्हें बताते कि अगर आपको कोई बीमारी है, मतलब आपको उसके लक्षण दिखते हैं, तो आप डॉक्टरों से जाकर सलाह करें और इस बारे में जानकारी प्राप्त करें और खुद भी बचें और लोगों को भी बचाएं। इसके दौरान हम लोगों को जो है एक मीटर की दूरी बनाए रखने के लिए प्रोत्साहित करते हैं और लोगों को हम कहते हैं कि जब बाहर से कुछ भी फ्रूट्स वेजिटेबल्स लेके आते हो तो उन्हें पहले पानी से अच्छे से धोएं, गर्म पानी से धोएं, नमक वाले पानी से धोएं और फिर उसका यूज़ करें और सेवन करें।